सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं और गलती से होता ये है कि आप किसी का म्यूजिक आप कॉपी करके, जैसे कि आप उसका म्यूजिक ले लेते हैं और उसका म्यूजिक लेने के बाद आप अपने वीडियो में लगा देते हैं और लगाने के बाद आप अपलोड कर देते हैं वीडियो को, उसके बाद अपलोड करने के बाद आपको इशू आता है कि वो जो भी मतलब जिसका म्यूजिक है वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम देने की कोशिश करता है या फिर देता है, तो आप उसे फिर से सही कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से बिना वीडियो को डिलीट किए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं, जैसे कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था और अपलोड करने के साथ मुझे वहीं पर मिल चुका था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी के डेट में यूट्यूब स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है, क्योंकि आप कोई भी वीडियो अपलोड कीजिएगा तो अगर कॉपीराइट कोई भी प्रोडक्ट होगा आपके वीडियो में तो वहीं से आपको मतलब मिल जाएगा कि आपका वीडियो में कॉपीराइट है, इशू है, तो आप वहीं से ठीक भी कर सकते हो या फिर आप जो भी म्यूजिक है उस म्यूजिक को वहां से चेंज कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो ताकि हम ऐसे वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जैसे कि अपलोड करने के साथ ही मुझे इशू मिल चुका था। ये वीडियो मतलब आपको दिखा दे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कॉपीराइट के खिलाफ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। और इसमें हमने जो म्यूजिक ऐड किया था वो थर्ड पार्टी म्यूजिक था, जो कि उस म्यूजिक वाले ने मुझे कॉपीराइट क्लेम दे दिया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लाइव आपको दिख रहा है, जैसे कि आप लोग लाइव देख सकते हो यहाँ पर कॉपीराइट का इशू इसमें दिखा रहा है। तो आखिर वो दिखा क्यों रहा है, चलिए इस वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन भी करके दिखाने वाले हैं वो कैसे होगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो आपको यहाँ पर सिंपली सेट यहाँ पर डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आखिर ये क्यों आपको क्लाइम मिला है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको यहाँ पर टोटल डिटेल्स लिख रहा है कि 1 मिनट 17 सेकंड से यहाँ तक 2 मिनट कुछ सेकंड तक ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट में आपको ये म्यूजिक यूज किया गया है। तो दोस्तों, इस म्यूजिक को चेंज कैसे करना है इस वीडियो में आपको पूरा लाइव दिखाने वाले हैं और बहुत आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ पर सिलेक्ट एक्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इसमें से अपने अनुसार ऑप्शन ले सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर रिप्लेस सॉन्ग लेंगे, जैसे कि रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर हम दूसरा म्यूजिक लगाना चाहेंगे, यूट्यूब का फ्री म्यूजिक जो होता है उसी को लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक वो म्यूजिक है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर यूट्यूब का फ्री म्यूजिक आपको काफ़ी सारा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग लाइव देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारा म्यूजिक दिख रहा है, तो हम इसमें से म्यूजिक प्ले करके देख लेते हैं। जो भी मुझे म्यूजिक अच्छा लगेगा उस म्यूजिक को हम काफ़ी आसानी से यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम म्यूजिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहले प्ले करके सुन लेते हैं कि कौन सा म्यूजिक अच्छा है, जैसे कि आप लोग लाइव देख सकते हो। तो हम यहाँ पर अभी प्ले कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हम यहाँ पर अभी सारे म्यूजिक को प्ले करके देख रहे हैं और मुझे ये म्यूजिक अच्छा लगा तो हम यहाँ से इसे ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लोज कर देना होगा कि वो जो पुराना वाला म्यूजिक है वहाँ से हट जाएगा और ये नया वाला म्यूजिक वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपको सिंपली ऐसे ही क्लोज पे क्लिक करना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद वो म्यूजिक यहाँ पर अपडेट होना शुरू हो जाएगा काफ़ी आसानी के साथ। तो दोस्तों, अपलोड होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आपको इंतज़ार करना होगा जब तक कि आपका अपलोड क्लियरली हो ना जाए। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये अपलोडिंग चालू हो चुका है और ये जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ या और यहाँ से मतलब जितना दूर तक आपको ब्लू कलर में दिखा रहा है यहाँ तक ये म्यूजिक अपलोड होगा। बाकी का ये जो म्यूजिक दिख रहा है ये साइड वाला म्यूजिक आपको उसमें ऐड नहीं होगा। तो जितना सा म्यूजिक आप चेंज कर रहे हो बस उतना ही सा होगा। आपको इस वीडियो को डिलीट भी नहीं करना होगा और आप खुद से ऐसे ही बहुत आसानी से कर सकते हो, जैसे कि आप लोग लाइव देख रहे हो। तो चलो हम यहाँ पर आगे चल के दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ऐड सूटेबिलिटी यहाँ पर अब ऑन हो चुका है, क्योंकि अब म्यूजिक पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर अपडेट हो चुकी है और वहाँ पर म्यूजिक चेंज भी हो चुका है। तो ऐसे ही आप लोग काफ़ी आसानी से आप अपना म्यूजिक चेंज कर सकते हो, उसके बाद अपने वीडियो को अच्छा से मोनिटाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो अब यहाँ पर ये ऑन का ऑप्शन आ जाएगा। ये अभी जैसे कि देख रहे हो अभी शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि इसमें से आपका जो भी अर्निंग होगा ये शेयर हो जाएगा, जो कि जिसका म्यूजिक है वो हम वैसा नहीं करें, हम पूरे म्यूजिक को ही चेंज करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा म्यूजिक पूरा अच्छा तरह से अपलोड हो गया, उसके बाद ये केवल मेरा मोनिटाइज ऑन हो चुका है और जो शेयरिंग का ऑप्शन है वो हट चुका है। तो ऐसे आप लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हो। अब अपने किसी भी वीडियो में ऐसा अगर दिक्कत आती है तो आप लोग जाके एडिट सेशन में वहाँ से एक्शन लेके आप रिप्लेस म्यूजिक कर सकते हो। तो देख सकते हो कितना आसान है, अब यहाँ पर ऐड सूटेबिलिटी भी आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। तो दोस्तों, ऐसे आप लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में यही था। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ ताकि हम ऐसे वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाते रहें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।